के तमाम नेता भी वहां पर पहुंचे हैं बड़ी संख्या में। कार्यकर्ता स्वागत करने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा के वहां पर पहुंचे। फतेहपुर में प्रियंका रोड शो करेंगी, लेकिन उससे पहले की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। फतेहपुर से कांग्रेस प्रत्याशी राकेश सचान के लिए लोगों से वोट की अपील भी करेंगे, कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगी, महिलाओं से भी मिलेंगी। वहां पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं। इसी पर अधिक जानकारी के लिए अवनीश मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अवनीश, क्या अपडेट है, कितनी देर में पहुंच रही है प्रियंका गांधी वाड्रा, रोड शो कब? प्रियंका गांधी लगभग अब से 20 मिनट पहले कानपुर एयरपोर्ट पहुंची थी। यहाँ पर कानपुर के जो दो प्रत्याशी थे शिवराज जायसवाल और राजा रामपाल, उनके अलावा जो राकेश चान जो फतेहपुर से प्रत्याशी है उनके समर्थन में ये रोड शो करेंगे। हालांकि कानपुर जो पदाधिकारी थे और जो प्रत्याशी थे उन्होंने मुलाकात की एयरपोर्ट पर, उसका काफी लाभ प्रियंका वहां से और फतेहपुर रवाना हुए थे। ओम कस्बे चुरी नदी से उनका रोड शो प्रारंभ होगा। उसमें महिला कार्यकर्ताओं से वो बातचीत करेंगी और वहां पर फतेहपुर नगर 6 जगहों पर रोड शो करते हुए वापस लौटेंगी। ठीक है, काफी बड़ा रोड शो होगा प्रियंका गांधी वाड्रा का भी। कौन कौन से बड़े नेता अवनीश मौजूद है प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ कांग्रेस के? अभी प्रियंका गांधी सिर्फ भाई उनके साथ में एयरपोर्ट पर जो पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज जायसवाल जो कानपुर लोकसभा के प्रत्याशी, उन्होंने उनका स्वागत किया है। और जो सांसद पूर्व सांसद राजा रामपाल जो अकबरपुर लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी है, उन्होंने प्रियंका गांधी स्वागत किया। साथ ही तीनों जिला अध्यक्ष और जो यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता थे उन्होंने प्रियंका गांधी का स्वागत किया। उसके बाद प्रियंका गांधी यहाँ बिल्कुल सादे सादे तरीके से वो फतेहपुर से रवाना हो गई है। कोई बड़ा नेता हालांकि उनके साथ नहीं, खुद ही अपने साथ जो लोग चल रहे हैं कानपुर जो भीड़ गई है उससे भीड़ का उनका राज बढ़ती जा रही है। और प्रियंका की जो शख्सियत है वो बिल्कुल भारतीय प्रधान में कानपुर आई है, गुलाबी रंग की साड़ी पहन के यहाँ पर उतरी थी। और ठीक है, वहां पर उतरी थी एयरपोर्ट पर भी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनसे मुलाकात की थी। अवनीश, रोड शो के अलावा और क्या कुछ कार्यक्रम होना है? जनसभा भी होगी क्या प्रियंका गांधी वाड्रा की? और खबर तो ये भी है कि जो महिलाएं वहां पर हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे प्रियंका गांधी? देखिए, कई फतेहपुर की कई विधानसभाओं में महिला संगठनों के साथ इनकी बातचीत होगी। उस जगह पर मीडिया को जाने रोक दिया गया, सिर्फ एक निजी न्यूज एजेंसी उसको परमिशन दिया गया है कि वो वहाँ जा सब कवरेज करेगी जो गवर्नमेंट का हाइट है। इसके अलावा जो रूट मार्केट लगभग सभी विधानसभाओं होता हुआ 8 जगहों से निकलेंगे और उससे महिला संगठनों बातचीत करेंगी। और छोटी मोटी जनसभाएं जो गाड़ी में बैठ कर जिस गाड़ी चल रही उसमें चलते हुए वो संबोधित करते हुए लोगों से मिलते हुए निकलेंगी। कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है, कोई जनसभा को संबोधित करेंगी। ठीक है अवनीश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा, थोड़ी देर के बाद फतेहपुर में रोड शो भी होगा प्रियंका गांधी वाड्रा का। शत्रुघ्न सिन्हा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, कांग्रेस मुख्यालय में ज्वाइन की कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस का दामन थाम लिया शत्रुघ्न सिन्हा ने।